नगर निगम में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां निगम में तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया था। दरअसल निगम में फाग महोत्सव चल रहा था और इस दौरान स्टेज के ऊपर से जा रहे थे ये तार। शॉर्ट सर्किट से अचानक स्टेज के टेंट में आग लग गई। निगम इस तरह से तारों में आग लगना किसकी लापरवाही है एक बड़ा सवाल, क्योंकि आयोजन बाकायदा एक चल रहा था और आयोजन के दौरान आप जाहिर सी बातें समझ सकते हैं लोगों की उपस्थिति होती है। ये राहत की बात रही कि इस हादसे को ज्यादा बड़ा होने से पहले ही रोक दिया गया, लेकिन कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल यही कि इस तरह के सार्वजनिक आयोजनों में हो रही लापरवाही के पीछे किसकी भूल रही। तस्वीरें देखिए जरा। निगम में तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, फाग महोत्सव चल रहा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर एक कर्टन था जिसके अंदर आग लग गई, उसके बाद आग बढ़ती हुई लपटों में तब्दील हो गई, लेकिन जल्द से जल्द उसको देखा गया, तुरंत उस समस्या को ठीक किया गया, दुरुस्त किया गया, लेकिन सवाल लापरवाही का बरकरार है। हमारे साथ अजमेर से सहयोगी शुभम बन चुके जुड़ चुके हैं। शुभम, साफ तौर पर लापरवाही तो नजर आ रही है क्योंकि सार्वजनिक आयोजन था, लोगों की उपस्थिति थी, ऐसे में निगम के ऊपर से जो तार निकल कर जा रहे थे उससे शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या और जानकारी सामने आ रही है शुभम इस हादसे के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा हादसा जो है निगम में टल चुका है। हालांकि लापरवाही किसकी है इसको लेकर के पड़ताल की जाएगी, लेकिन निगम के अंदर जो है कि वो फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था और स्टेज पर जो रंगारंग कार्यक्रम थे वो आयोजित किए जा रहे थे। इसी दौरान जो कलाकार थे वो भी मंच पर मौजूद थे। अचानक धुआं निकला और धुआं लगने के साथ ही टेंट जो ऊपर लगा हुआ था स्टेज पर उसमें आग की लपटें दिखाई देने लगी, जिसके बाद तुरंत ही कार्यक्रम को रोका गया और पहले आग को बुझाने का प्रयास किया गया। हालांकि आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर आग बड़ी हो जाती तो बड़ा हादसा सामने हो सकता था और कोई ना कोई जो कह सकते हैं कि जनहानि जैसी चीजें भी सामने आ सकती थी। लेकिन लापरवाही किसकी है ये जांच की जाएगी। हालांकि निगम का जो फाग महोत्सव है वो वापस सुचारू रूप से चला दिया गया है, आग पर तुरंत कंट्रोल किया गया और जो तार जो निकल रहे थे बिजली के उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके कारण से टेंट ने आग पकड़ ली और आग पकड़ने का कारण ये रहा कि कुछ देर के लिए कार्यक्रम बाधित हुआ, लेकिन आग बुझाने के बाद फिर एक बार कार्यक्रम को सुचारू कर दिया गया है। लेकिन किन कारणों से आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है, लेकिन क्या कमी रही, क्या लापरवाही रही वो पड़ताल की जाएगी। शुभम, इस तरह की लापरवाही को फर्स्ट इंडिया ने नोटिस किया है और खास तौर पर झूलते हुए मुसीबत को लेकर के एक 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 राउंड रियलिटी चेक भी किया था। लेकिन अगर अजमेर का जिक्र हो रहा है शुभम और नगर निगम का जिक्र हो रहा है तो आम रास्तों का भी जिक्र होगा, बताइए क्या वहां पर झूलते हुए तारों की स्थिति यही है या फिर एक कारण ये रहा क्योंकि नगर निगम में कार्यक्रम था, जल्दबाजी में लोगों का ध्यान नहीं रहा, दुरुस्त उसको किया गया, लेकिन स्थिति ओवरऑल अजमेर में क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमने फर्स्ट इंडिया की जो मुहिम थी उसके तहत जो रियलिटी चेक किए गए थे, अजमेर में कुछ पॉइंट ऐसे हैं चाहे वो दरगाह इलाके की सुरतंग गलियां हो वहां पे आज भी तारों के जाल ऐसे बने हुए हैं कि वहां पर कोई हादसा हो जाए तो उसको सुलझाने में काफी समय लग जाएगा और बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। लेकिन नगर निगम में तो ये तार के अंदर आग लगी है, ये कहीं ना कहीं जो लाइटिंग के लिए स्पेशली तार लगाया जाता है वो तार इस तरीके का लगाया गया कि उसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, जो लाइट डेकोरेशन वाला होता है उसकी तरफ से तार लगाया गया था तो उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई और कमी के चलते उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। लेकिन अजमेर शहर की बात करें तो दरगाह हो चाहे वो अन्य कोई तंग गलियां हो उनमें आज भी वो तारों का झुंड, तारों का जंगल जो कह सकते हैं वो आज भी देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। विद्युत विभाग को कई बार भी कहा गया है शहर के अंदर, हालांकि अब धार्मिक कार्यक्रम चालू हो जाएंगे अप्रैल जो रहेगा उसके अंदर कई बड़े जल्दी बिल्कुल शुभम और गर्मी भी बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले कोशिश फर्स्ट इंडिया की यही कि जिम्मेदारों तक की बात पहुंचे और जल्द से जल्द इस तरह के हादसों को न्योता देने वाले तारों को दुरुस्त किया जाए। शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए।